बरेली में भारतीय जनता पार्टी के शासन के 8 साल पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी की बरेली महानगर इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने की। इस अवसर पर आमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कई विधानसभाओं के विधायक उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को एक नई दिशा मिली है और प्रत्येक व्यक्ति और गांव-गांव पर हर घर में विकास की धारा बह रही है। सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भाजपा के 8 साल बेमिसाल रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 25 करोड़ महिलाओं को जन धन बैंक खातों के वित्तीय स्वतंत्रता दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.6 करोड़ घरों को बिजली उपलब्ध कराई गई। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर नसीब हुआ। भाजपा शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आया है। येशुदास सात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। युवा भारत के लिए नए अवसर प्रदान किए गए। वर्ष 2021 में रिकॉर्ड $118 बिलियन से अधिक गुड्स एक्सपोर्ट द्वारा रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। सब जानते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार को 8 वर्ष हो रहे हैं, तो 8 वर्ष की उपलब्धियां देश वालों को बताई जाए। और ये बात सही है कि मीडिया अच्छे ढंग से हमारी बातों को दिखा भी रही है, बता भी रही है, और उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करें। और वास्तव में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ पर हमारी सरकार ने काम ना किया हो, और उसकी पहचान बन रही है और सब देशवासियों को लग रहा है कि 8 वर्ष में जो भी काम किए और हर क्षेत्र में जिस ढंग से काम किए वो अपने आप में ऐसे काम है कि जो वास्तव में लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। 2-3 योजनाओं को लोग ऐसा पसंद कर रहे हैं कि जैसे आयुष्मान योजना है, सबको लग रहा है कि वास्तव में ये एक अच्छा कदम है और अच्छे ढंग से जिस प्रकार से बच्चों लोग गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है वो सबकी समझ में आ रहा है। और अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, सारे स्कूलों को अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, ये सबकी समझ में भी आ रहा है, सबको लग रहा है कि अच्छे ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। तो कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है, जिस क्षेत्र में हमने काम ना किया हो, और लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में पूरी जवाबदेही के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।